नमस्कार आमना सामना को स्वागत करुच्छी मु शक्ति साई मिश्र आज आमना सामना रे आम सहित अच्छा एभली जड़े अतिथि जे कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जड़े बड़ चेहरा सारा देश में राज्यसभा सांसद अच्छा सी जितेबले राज्यसभा डिबेट्रे भाग नितेबले बहुत बड़ बड़ नेता मुह को बंद कर दिंती तो सारा देश जड़े चर्चित चेहरा डॉक्टर राकेश सिन्हा जी आम सहित अच्छा डॉक्टर सिन्हा आपको बहुत बहुत स्वागत राकेश जी हाल ही में आपका एक आर्टिकल हमने पढ़ा द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर आपने लिखा था वो आर्टिकल और द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा की बेटी है आज राष्ट्रपति बने हैं तो आपने लिखा था कि द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना ये इंडियन डेमोक्रेसी इट इज़ अ साइन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज़ गोइंग बियॉन्ड यूरोपियन मॉडल ये कहने के पीछे आपका क्या मकसद था ये क्या कहना चाहते थे इस आर्टिकल के जरिए देखिए लोकतंत्र सिर्फ संरचना नहीं है जिसमें चुनाव होते हैं प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोकतंत्र वह है जब समाज का हर वर्ग यह महसूस करता है कि उस गणतंत्र का हिस्सा है और गणतंत्र का हिस्सा सिर्फ मतदाता के रूप में नहीं है बल्कि वह देश का राजा हो सकता है होने की पूरी संभावना है आज़ादी के बाद से 1952 से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाया लेकिन 8.6% पॉपुलेशन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो देश के 29 राज्यों में फैला हुआ है जिसमें उड़ीसा प्रमुख रूप से है उन ट्राइबल पॉपुलेशन में हमने विकास के लिए 50 लाख ट्राइबल को डिस्प्लेस तो कर दिया विस्थापित कर दिया उनकी संस्कृति उनकी भूमि उनके पूर्वजों से उन्हें अलग कर दिया विकास के काम में उनके श्रमिक के रूप में और जिस जमीन पर रह रहे हैं जिसके स्वामी हैं उसके एक श्रमिक बन के काम करते हुए हमने देखा पहली बार हुआ कि उस ट्राइबल कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हुए देश ने देखा यह एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी है यह लोकतंत्र का विस्तार है जो संरचना में लोकतंत्र था स्ट्रक्चर में था वो सबस्टांशियल हो गया जी ठोस रूप में हुआ उसके पीछे एक और बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से लोकतंत्र का लोकतांत्रिककरण हुआ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ जब मैं कहता हूँ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र का लोकतांत्रिककरण यानी लोकतंत्र शब्दों में था संरचना में था व्यवहार में नहीं था जो पद्म अवार्ड मिलता था वह पद्म अवार्ड साधारणतः बड़े लोगों को मिलता था हमें लगता था ये कोई बड़े लोग हैं लेकिन पहली बार 2014 के बाद से सामान्य व्यक्ति जो असामान्य काम कर रहा है राष्ट्र निर्माण का कॉमन मैन डूइंग अनकॉमन जॉब जैसे आप देखिए ट्रिनिटी सायू ये मेघालय में जयंतिया हिल्स की हैं उसी तरह से तुलसी गौड़ा कर्नाटका की हैं तो ऐसे लोगों को मिला जो बहुत सामान्य थे उड़ीसा में भी बहुत सारे प्रतिभाएं तो इसलिए मैं कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना और पद्म अवार्ड सामान्य लोगों को मिलना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी किया जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय गणतंत्र की है बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर पूरे देश में चर्चा है और दो हफ्ते पहले जब बिहार के एक एसएसपी ने बयान दिया था संघ को लेकर पीएफआई के तुलना वो ट्रेनिंग को लेकर तुलना की थी तो आपने तब बताया था कि ये एक सोची समझी उसका बयान है तो आज ये जब वो गठबंधन छोड़ देते हैं और आरजेडी के साथ महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो ये आपका जो एंटिसिपेशन था वह सच सामने आया है देखिए वो जो जिस एसएसपी ने बयान दिया था वो एक पढ़ा लिखा यूपीएससी से आया हुआ व्यक्ति है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वर्षों से दशकों से जानता है उसकी भूमिका जानता है यह बयान तो नीतीश कुमार जी के इशारे पर दिया गया था जो मैं उस वक्त नहीं बोल सकता था क्योंकि गठबंधन के हिस्से थे और इससे संकट बढ़ जाता इसलिए मुझे लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मोहरा बनाकर वे अलग होने की कोशिश है उन्हें लगा उस बयान के बाद से तूफान आएगा और उन्हें अलग होने का मौका मिलेगा
जो मौका नहीं मिला। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस गठबंधन को नीतीश कुमार ने तोड़ा। आपको पता था तब से? मुझे मालूम था कि ये नीतीश कुमार जी के बिना कहे और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी की बिना जानकारी का बयान नहीं दिया जा सकता। बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वह पूरी तरह से सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक देश में एक संविधान और एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। अपवाद में एक दिन दो दिन हो सकता है, लेकिन उर्दू स्कूलों को रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी मनाने के लिए कह दिया जाए, ये वर्षों से होता रहा और सरकार इस पर चुप बैठी रहे। तो धर्म के और संप्रदाय के, जाति के आधार पर यदि हम संविधान की व्याख्या करने लगेंगे और संविधान से हम छूट लेने लगेंगे तो फिर देश में प्रशासनिक और संवैधानिक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये सांप्रदायिक वातावरण को और तुष्टिकरण की नीति के कारण नीतीश कुमार जी ने अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस गठबंधन को तोड़ा है और SSP का बयान उसी का एक हिस्सा था। जी, तो ये पहले से स्क्रिप्टेड था? देखिए, नीतीश कुमार और जो भी ऐसी जाति पे आधारित पार्टियाँ होती हैं वह संकीर्ण विचारधारा पर आधारित है, जिसका राष्ट्रीय सोच नहीं होता है, उन पार्टियों में अंतर विरोध होता है, कंट्राडिक्शंस होते हैं और उस कंट्राडिक्शन को संभालना, मैनेज करना बहुत दिनों तक कठिन होता है। तो ऐसी पार्टियां अलग अलग समय में अलग अलग बातें करके, अलग अलग पोजीशन लेकर अपने घर के संकट को टालती हैं। वही नीतीश कुमार जी आज कर रहे हैं। वो एक मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए और मुख्यमंत्री का शपथ लिया और 18 साल से एक व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री है। आज तक उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, हमेशा विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहकर मुख्यमंत्री बने हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के संसदीय जनतंत्र में एक अपवाद है। तो आपको क्या लगता है, अभी फिर से जातीय राजनीति की ओर चला जाएगा बिहार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अन्य दलों से भिन्न अपनी पृष्ठभूमि, अपनी विरासत, अपने जो मूल्य और विचार हैं उसके आधार पर राजनीति करनी है और करना चाहिए। उसमें हम जाति विहीन समाज को लेकर चलेंगे, हम जातीय कटुता को हटाएंगे। जातियों की एक सीमित भूमिका है विवाह, शादी और कर्मकांड में। उस सार्वजनिक जीवन में जाति की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, चाहे सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो या आर्थिक क्षेत्र हो। उसी तरह से संप्रदाय की भी भूमिका सीमित अर्थों में होनी चाहिए, पूजा पद्धतियों में होनी चाहिए। उससे अधिक यदि भूमिका होती है तो वह राज्य, राष्ट्र के, समाज के लिए खतरा होता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज में जनता के बीच, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने जाने के लिए सिर्फ जन सरोकार से जाएंगे, जातीय कटुता को मिटाएंगे, जातीय विभाजन को मिटाएंगे और गुणवत्ता को प्रमोट करेंगे। हाशिए के लोग, जो गाँव गरीब लोग हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है जिसके तहत उन्होंने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज पहुंचाया है, जो राज्य की नैतिक जिम्मेदारी थी, हमने कोई उन पर कोई एहसान नहीं किया, हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी की पूर्ति की। इस तरह के एजेंडा को ले जाकर हम जनता तक पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जातीय राजनीति को, स्वार्थ पर आधारित राजनीति को और घर भरने वाली राजनीति को, अपने पेट को बड़ा करके राज्य के संसाधनों का दोहन करने वाले लोगों को खारिज करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ 2025 में सरकार बनाएगी। राकेश जी, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, इसे आज़ादी तो जो लड़ा गया था वो पूरा देश तो आज़ादी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ा था, लेकिन इसे पेश किया गया कि कुछ गिने चुने लोग और कुछ परिवार, जैसे इस सिर्फ उनके लिए ये आज़ादी मिला देश को। तो आज 75 साल हो गया और जैसे आज इस आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी में जो जिन जिन क्षेत्र में जो लोगों का बलिदान था वो लोगों को बताया जा रहा है, तो आज लोगों को समझ में आ गया है, आपको पूरा देश आज समझ रहा है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी दृष्टि से अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया और अमृत महोत्सव सिर्फ कोई कार्यक्रम नहीं है, यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की महान विरासत को, ग्रेट लेगेसी को नई पीढ़ी से जोड़ने का एक अभियान है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि बाजी राउत उड़ीसा के थे, 12 वर्षीय बाजी राउत ने अब बलिदान दिया। क्यों?
ब्रिटिश सेना के लोगों को नदी पार कराने से उसने इनकार कर दिया था। वह बानर सेना के सदस्य थे, प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी छोटे बच्चों ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व नहीं किया है। पूरे दुनिया के स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें बाजी राउत हैं, तिलेश्वरी बरुआ, वह भी 12 साल की थी। अब बिहार में 7 लोगों ने आज के ही दिन 11 अगस्त 1942 को तिरंगा फहराने के लिए जो जान दिया, उसमें राजेंद्र, रामानंद सिंह, हरगोविंद, सतीश झा, ऐसे 7 लोग थे, जगतपति। इन 7 बच्चों में 9वीं क्लास के 5 थे, 10वीं क्लास के 6 थे और एक 11वीं क्लास के थे। अब इन लोगों ने जो शहादत दी, तो इन लोगों की शहादत सिर्फ कोई राजनीतिक आज़ादी के लिए नहीं थी, अपने स्व सेल्फ की रक्षा करने के लिए थी। जो भारत की चिति है, भारत का जो मूल तत्व है, संस्कृति, सभ्यता, समाज, ये बातें इतिहास की पुस्तकें में नहीं आती थी। गांधी, नेहरू और उनके विचारों के समर्थकों का महिमा मंडन करने वाला इतिहास बन गया था, उनकी भूमिका थी। लेकिन ऐसे भी लोग थे, अब जयी राजगुरु अब उड़ीसा के थे, 1805 में उन्होंने बलिदान दिया। वो विद्रोह नहीं था, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक देशभक्त की लड़ाई थी। अब जयी राजगुरु को दुनिया नहीं जानती है, इतिहास की पुस्तकों में कोई जगह नहीं है। तो यह जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा गया, वह नेहरू और माउंटबेटन और मार्क्सवादियों की इच्छा से लिखी गई, जिसमें आम लोगों की भूमिका, भारत को आज़ादी कुलीनों के त्याग के कारण नहीं मिला। आपको 5 ऐसे कुलीन नहीं मिलेंगे जिनको गोलियां लगी, 5 ऐसे एलीट्स या बड़े घर के लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने आजीवन कारावास की सजा सही हो। जो भी मिलेंगे, सावरकर जी के तीनों भाई, जीडी सावरकर, वीडी सावरकर और नारायण राव सावरकर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया डॉक्टर हेडगेवार होते हुए सुभाष चंद्र बोस को देखें, तो ऐसे बहुत से लोगों को इतिहास में हाशिए पर कर दिया गया। इसलिए अमृत महोत्सव का बहुत बड़ा महत्व है और अमृत महोत्सव ने राष्ट्रवाद की भावना को, राष्ट्रवाद के इतिहास को, राष्ट्रवाद के विरासत को जनता के सामने लाने का बड़ा काम किया है। लेकिन कुछ विरोधी हैं जो इसे उसे बता रहे हैं कि संघ को लेकर खासकर टारगेट कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ये मुहिम चलाने का अपील किया था, तो वो बोल रहे हैं कि संघ ने कभी तिरंगा का सम्मान नहीं किया। देखिए, परिवार का इतिहास लिखने वाले कभी भी सामान्य लोगों के इतिहास को स्वीकार नहीं करते। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वे बात कर रहे हैं। 1930 में संघ ने के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने शाखा को एक सर्कुलर भेजा कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर लिया है, हम 26 जनवरी 1930 को अपनी सभी शाखाओं में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए राष्ट्रीय ध्वज का पूजन करेंगे। 1930 तक तो कांग्रेस ही स्पष्ट नहीं थी। 30 से पहले कांग्रेस ने जो झंडा समिति बनाई थी, उस समिति ने भगवा झंडा को राष्ट्रीय झंडा बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। उसमें सरदार पटेल थे, नेहरू थे, कलाम आज़ाद थे, मास्टर तारा सिंह थे, केलकर थे, डॉक्टर हार्डिकर थे, ऐसे लोगों ने। उसके बाद में तिरंगा आया, तब से लेकर संघ और 47 के बाद संघ ही एक ऐसी संस्था है, ऐसा आंदोलन है जो अखंड भारत दिवस मनाता है। और जब अखंड भारत दिवस मनाते हैं तो पूरे अखंड भारत का मानचित्र तिरंगा झंडा, इसका हम पूजन करते हैं। चूँकि हम तिरंगा को झंडा ही नहीं मानते, तिरंगा के लिए मतांगनी हाजरा ने तिरंगा को ऊँचा रखने के लिए बलिदान दिया था। वो उसमें शहीदों का रक्त लगा हुआ है, उस शहीदों के रक्त से सींचा हुआ ध्वज है। इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, वे वंशवादी लोग हैं, व्यक्तिवादी हैं, सत्ता पर काबिज रखना चाहते हैं, इतिहास को परिवार और किसी वंश विशेष तक सीमित रखना चाहते हैं। बीजेपी का जो एजेंडा था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें 3 प्रमुख मुद्दे थे। एक था राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में, और दूसरा था 370 का हटाना, और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2 तो हो गया, लागू हो गया, 370 धारा हट गया, राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया, और वो जो तीसरा है वो अभी लागू करने का समय आ गया है क्या? देखिए, इस ओर देश आगे बढ़ रहा है। जब हमने ट्रिपल तलाक को बंद कर दिया और हलाला पर हमने बहस शुरू कर दी, तो संभवतः हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी
अलग अलग कानूनों के आधार पर नहीं चलती है। विवाह में, डिवोर्स में, तलाक में, इनहेरिटेंस में, उत्तराधिकार में, तीनों पर एक समान कानून होना चाहिए। समान कानून होने का मतलब नहीं है किसी एक धर्म का कानून किसी पर थोपा जाएगा। सभी धर्मों के जो बेस्ट एलिमेंट हैं, वैशिष्ट है, जो संविधान के अनुकूल है, जो समाज को प्रगतिशील बनाता है, किसी धर्म में कोई दकियानुसी है और संविधान और समाज के प्रतिकूल है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी ही आएगा। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार ने इस पर बार बार बहस शुरू की है, तो समय, उचित समय पर यह भी एजेंडा 2026 से पहले ये आशा कर सकते हैं। देखिए, सरकार के अपने तरीके होते हैं, देश की परिस्थितियां होती हैं, और हम हर दिन अपने वैचारिक और देश के प्रगति के एजेंडा को लागू करते जा रहे हैं। 370 को हटाने के समय लोगों ने कहा था देश में खून खराब होगा, पूरे देश ने स्वागत किया। राम मंदिर का निर्माण शांतिपूर्वक हुआ है, काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार एक ऐतिहासिक हुआ है, पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए जाता है। महारानी होलकर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही काशी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद प्रबल हो, समृद्ध हो, ये हमारी कोशिश है। हम लोकतांत्रिक तरीके से और देश के लोगों को जोड़कर भारत को समृद्ध करने के लिए कदम उठाते जा रहे हैं। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले, अभी भी चल रहा है वो हालात देश में अभी भी है कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें जो ऐसे कुछ कर रहे हैं, मर्डर करना, तो एक दहशत फैलाना, तो ये एक जो बयान नूपुर शर्मा जी का आया था उसे लेकर उससे जोड़ते हैं, और आपको क्या लगता है वाकई ही वो बयान इसके लिए जिम्मेदार है और एक कट्टरपंथी उनका ये हौसला बढ़ना, उसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, हिंसा किसी चीज़ का उत्तर नहीं होता जी। अगर यदि हिंसात्मक रास्ते से हम समाधान ढूंढेंगे तो हम बर्बरता के युग में यानी मध्य युग में पहुंच जाएंगे। किसी भी धर्म की सोच में यदि ये हो कि हमसे असहमति रखने वाले को जीवन जीने का अधिकार नहीं, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने वेशभूषा, पोशाक, खान पान के आधार पर जीने का अधिकार नहीं है तो वह भारत में संभव नहीं। भारत में एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ते का सिद्धांत है, एक सत्य है, विद्वान अलग अलग तरह वर्णन करते हैं। यह विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी इज एसेंस ऑफ इंडिया, विविधता ही भारत का मूल है, लेकिन विविधता में रहना और विविधता का पोषण करने में अंतर है। बहुसांस्कृतिकवाद का लाभ उठाना, मल्टी कल्चरिज्म का एडवांटेज लेना और मल्टी कल्चरिज्म को समृद्ध करना, दोनों में अंतर है। आप दकियानुसी में रहेंगे, आप अपने शरीयत के अनुसार चलेंगे, आप देश के कानून को नहीं मानेंगे, आप बाहर के ताकतो संबंध रखेंगे और फिर कहेंगे हमको संविधान का अधिकार दो, तो दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। तो मुझे लगता है इस देश के, मैं खुलकर बोलता हूँ, इस देश के मुसलमानों को भारतीयकरण की जरूरत है, इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। अपनी पूजा पद्धति को, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत के अपने सहनिवासियों के संदर्भ में पुनर्परिभाषित करना और उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस दिन ऐसा हो गया, भारत के मुसलमान पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक आदर्श, उनके लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। मैं अंत एक बात इसमें जोड़ दूँ, टर्की में अतातुर्क कमाल पाशा ने रविवार को छुट्टी की शुक्रवार की जगह, अरबी की जगह तुर्की भाषा में उसने नमाज को शुरू किया। भारत में 1000 से अधिक स्कूल हैं जो शुक्रवार को छुट्टी कर रहे हैं, अरबी भाषा में नमाज पढ़ते हैं। तो भारतीयकरण करना, जैसे वहाँ तुर्कीकरण हुआ, वैसे भारतीयकरण की आवश्यकता है। जिस दिन और इसी आवश्यकता के अनुसार भारत के मुसलमानों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा, इसके लिए उनके लिए संदर्भ बिंदु दारा शिकोह है, जो औरंगजेब का भाई था, जिसने उन्हें रास्ता दिखाया, और संविधान सभा में तजामुल हुसैन थे। इन लोगों के रास्ते पर भारत के मुसलमानों को आत्मचिंतन करना चाहिए जी। आखिर में आपने पॉपुलेशन को लेकर पार्लियामेंट में भी एक प्राइवेट मेंबर बिल भी अप्लाई थे, जो पॉपुलेशन घटाना चाहिए, घटना बहुत ज़रूरी है, तो क्या इसके लिए क्या प्लान है और क्या करना होगा? देखिए, पहली बार संसद के इतिहास में
मेरे बिल पर दो दिनों तक बहस हुई जी। आज तक संसद में पॉपुलेशन पर दो दिनों तक बहस नहीं चली थी जी। लगभग सभी लोगों की मान्यता है कि जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने का एक मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक होता है बायो कैपेसिटी। बायो कैपेसिटी का मतलब होता है कि जिस संसाधन का उपयोग करते हैं वह फिर से कितना पुनर्जीवित होता है, रीजेनरेट होता है, बायो कैपेसिटी। एक होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, आप जिस संसाधन को कितना संसाधन आप कंज्यूम करते हैं। तो बायो कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में लगभग बायो कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। यह अंतर इतना बड़ा आ रहा है कि अगले कुछ दशकों में हमारे पास संसाधन ही नहीं बचेंगे। इसलिए जनसंख्या के वृद्धि को संसाधन और सामाजिक संतुलन दोनों दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। और जनसंख्या नियंत्रण पर देश में एक जनभावना है कि एक कानून होना चाहिए। सामूहिक चेतना जनसंख्या वृद्धि पर कानून के पक्ष में। आप इतने डिटेल जानते हैं उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, जो कि उड़ीसा के लोगों को भी शायद पता नहीं होगा। जब आज़ादी का 75 साल पूरा हो रहा है तो उड़ीसा के स्वतंत्रता संग्राम में उड़ीसा का योगदान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उड़ीसा की एक गलत छवि इतिहास से प्रस्तुत की गई है। ये राजा राजवारों और सामंतों का राज्य रहा है, ऐसा नहीं है। 1805 में उड़ीसा के जय राजगुरु जी को पहली बार किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिली, उनको उन्होंने बलिदान दिया। और मुकुंद देव सेकेंड के ही जो कमांडर थे उनको भी फांसी की सज़ा मिली। अब 1817 में हुआ, 1835 में हुआ, 1865 में हुआ, लगातार उड़ीसा के लोगों ने सशस्त्र संघर्ष किया और ब्रिटिश साम्राज्य को छक्के छुड़ा दिया उड़ीसा के लोगों ने। अब जालियांवाला बाग कांड का एक स्वरूप उड़ीसा में भी है। जब 28 लोगों को यहाँ के जनरल डायर ने, यद्यपि वो भारतीय थे, वो व्यक्ति जो पुलिस का अधिकारी था भारतीय था, लेकिन 28 लोगों को गोली मारी, वो बलिदान दिए, 56 से अधिक लोग घायल हुए। अब इतिहास की पुस्तकों में वो जालियांवाला बाग कांड तो आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा का ये जालियांवाला बाग कांड है, इराम का नाम आना चाहिए और ये देश के सभी लोगों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना चाहिए। मैं मानता हूँ उड़ीसा की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही अत्यधिक बड़ी भूमिका थी। लगातार फांसी की सजा देना और धरणीधरन, आपने नाम सुना होगा जी। अब बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह से रजिस्ट किया था ब्रिटिश साम्राज्यवाद को, उसी तरह से धरणीधरन जी ने रजिस्ट किया। 7 साल तो कटक में उनको डिटेन किया गया, उसके बाद उनको रांची के जेल में जून 1900 ईस्वी में उनको जहर खिलाकर मारा गया। तो यह जो उड़ीसा का इतिहास है, यानी सूक्ष्म स्तर पर जो संघर्ष हुआ, उसी संघर्ष ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। तो ऐसे इतिहास को सामने लाना, उसका विवरण सामने आना, उसको पूरे देश तक लाने का काम है। मुझे लगता है कि उड़ीसा के भी समाजशास्त्रियों को, इतिहासकारों को सक्रिय रूप से इस दौरान अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए और इतिहास को राजा राजवारों के इतिहास से, आम धरणीधरन का इतिहास, जय राजगुरु का इतिहास और बाजी राउत के इतिहास के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो आम सहित थिले आज आमना सामने डॉक्टर राकेश सिन्हा, अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंगे स्पष्ट मत रखिले। तो आमना सामना को आज रखा, पुणी आसंता सप्ताह ये आज जो चर्चित चेहरा सामना हाँ विदाय दिंतु। नमस्कार।